अगर आप ये चाहते हो कि आपके घर में आपकी मर्जी के बिना जिन्नात दाखिल ना हो सके, कोई बुरी हवा दाखिल ना हो सके, कोई भूत प्रेत आत्मा काला साया आपके घर में दाखिल ना हो, तो आज मैं आप सभी को एक बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही ज्यादा आसान और बहुत ही ज्यादा पावरफुल वजीफा बताऊंगा। और ऐसा देखा गया है कि जब कोई शख्स बाहर से आता है तो उसके साथ जिन्नात लगकर आ जाते हैं। अगर आपने मेरे द्वारा बताया गया आज का ये वजीफा कर लिया तो वो जिन्नात आपके घर में दाखिल नहीं हो सकेगा, बाहर ही रुक जाएगा। तो क्या है दुआ, किस तरह से पढ़नी है, कितनी बार पढ़नी है और कितने दिनों तक पढ़नी है, क्या करना है, किस तरह से करना है, इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल कलर का बटन दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर उसके बाद बराबर वाले घंटे का बटन भी जरूर दबा देना। तो दोस्तों दुआ है आयतुल कुर्सी। आयतुल कुर्सी आपको स्क्रीन पर भी दिख रही है और ये आप कुरान शरीफ के अंदर से भी बहुत ही आसानी से याद कर सकते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं पढ़ने का वजीफा किस तरह से करना है। एक दिन में 3 बार आपको आयतुल कुर्सी पढ़नी है और पढ़ने के बाद अपने घर के चारों कोनों में फूंक मार देनी है, अपने घर के मेन दरवाजे पर फूंक मार देनी है। या तो आप इस तरह से कर लीजिए या आप ऐसे कर लीजिए कि आपको आयतुल कुर्सी का एक फोटो स्टेट निकलवा लेना है और फिर उसको लेमिनेशन करा के घर का जो मेन दरवाजा है उसके ऊपर आपको लटका देना है। इन दोनों में से अगर आप एक भी अमल करते हो तो इंशाल्लाह आपके घर में जिन, भूत, प्रेत, आत्मा, काला साया या काला जादू दाखिल नहीं हो सकता है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल और बहुत ही ज्यादा असरदार होता है। आप इस वजीफे को कीजिए और फायदा उठाइए। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज की ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना और इस जानकारी को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर देना ताकि हर एक शख्स फायदा उठा सके।